आखिर ऐसा क्या हुआ दिलजीत और अंगद के बीच में कि दिलजीत पहुंचा अंगद को मारने और साहिद के साथ साहिबा ने आखिर किसको बताई सारी बातें। सवाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल टे में डोरियो के आज के एपिसोड के, जहां आपको देखने को मिल ही रहा था कि कोई अनजाना इंसान आखिर को ले गया है। और यही सब पता होने के बाद साहिबा को होती है बहुत ज़्यादा टेंशन और वो दौड़ी दौड़ी जाती है अंगद और दिलजीत के पास। वही एक लड़की उसे अकीर की कुछ चीज़ें देती है, उस अकीर का जूता देती है, जिसको देखकर साहिबा डर जाती है और वो दिलजीत के पास जाने के अलावा वो चली जाती है अंगद के पास, जिसको देखकर दिलजीत को आता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। और वह साथ ही साथ अंगद से कहती है कि अंगद हमारे बेटे अकीर को कोई ले गया है। और यही बात सुनने के बाद अंगद कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं अकीर को कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा। और बाद में जब अंगद को होश आता है कि साहिबा ने क्या कहा, तो साहिबा को देखता और यही सब देख के दिलजीत को आता है गुस्सा। सो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि दिलजीत हो चुका है नेगेटिव और शायद वो जाएगा गुस्से गुस्से में अंगद को मारने। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में दिलजीत ऐसा कुछ करेगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।